सो गाइस, क्या आप लोगों को भी आपका जो YouTube स्टूडियो है उसके अंदर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कम्युनिटी। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को एक कम्युनिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा था, जहाँ पे मेरे को पहले कमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। और आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो कम्युनिटी का ऑप्शन है ये क्या चीज़ है, और ये जिन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा YouTube स्टूडियो के, उनको कैसे ये मिलेगा फ्यूचर, और इस फ्यूचर के अंदर आप लोगों को YouTube से क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो और आप लोगों को कम्युनिटी से रिलेटेड जो अपडेट आपके पास स्टूडियो में देखने को मिला है उसके बारे में जो आपको डिटेल में दूंगा वो अच्छी लगती है, तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना। अब बात करते हैं कि आप लोगों को आपके वाई स्टूडियो के अंदर यहाँ पे जो कम्युनिटी वाला जो ऑप्शन शो हो रहा है ये क्या चीज़ है, और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट होने वाला है वो ये कि हमारे बहुत से साथ बंदों की क्या होता था कि हमारा जो कमेंट्स होते थे वो हमें यहाँ पे शो नहीं होते थे कमेंट्स के अंदर, बस हमें सिर्फ 2-3 ही कमेंट्स शो होते थे या ज़्यादा 10-12 कमेंट्स होते थे। बट इसके अंदर आप लोगों को 28 डेज़ के अंदर जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सभी के सभी कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को इसमें जितने भी रिटर्निंग व्यूअर होंगे आप लोगों के, वो सब के सब आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जो कम्युनिटी स्पॉटलाइट है, यानी कि जिन्होंने बढ़िया मतलब यहाँ पे जैसे कि जस्ट फ्यू मिनट अगो मतलब 1-2 मिनट पहले कमेंट किया होगा, उनके यहाँ पे आप लोगों को चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर वगैरह आप लोगों को यहाँ पे ये इस कम्युनिटी स्पॉटलाइट देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को इस अपडेट को अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर यहाँ पे यूज़ करना है, और जिनको अपडेट शो नहीं हो रहा वो प्ले स्टोर पर चले जाना, यहाँ पर जाके इसको YT स्टूडियो लिख के अपडेट कर लेना अपने YT स्टूडियो को, ठीक है। और आपकी ये जो कम्युनिटी की जो आपको अगर शो नहीं हो रही बटन, आप लोगों को भी वहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दिखाना। तो इस तरीके से अब आप लोग जो अपनी कम्युनिटी के अंदर जो सभी के सभी कमेंट्स एंड यहाँ पे रिटर्निंग व्यूअर्स एंड जितने भी आप लोगों के 28 डेज़ के अंदर कमेंट्स आएंगे वो सभी के सभी कमेंट्स जो आप लोगों को यहाँ पे शो होते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा अपडेट है YT स्टूडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ये अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला तो आप लोग भी जाके जल्दी से जल्दी YT स्टूडियो को अपडेट कर ले अपने प्ले स्टोर पे, और आप लोगों को भी ये जो अपडेट है ये जो फ्यूचर है कम्युनिटी का ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब आपका जो कमेंट का ऑप्शन है वो यहाँ से हटा देगा और आप लोगों को कम्युनिटी का फ्यूचर यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स एंजॉय दिस वीडियो।